दोस्तों स्वागत है आपका देश विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक सर्दियों में भी लद्दाख छोड़ने को तैयार नहीं चीन, जवानों को दिए जा रहे हैं आधुनिक उपकरण। साथ ही दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा देश के हर नागरिक को लगेगा कोरोना का टीका, जाने सबसे पहले किसे लगाया जाएगा। वही दोस्तों 1 नवंबर से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। तो इन नियमों के बारे में और इस खबर के बारे में आपको पूरा अपडेट किया जाएगा। साथ ही दोस्तों इन कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा, दिवाली गिफ्ट के तौर पर 18,000 एडवांस देने का किया ऐलान। वही दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब ये कंपनी 20 करोड़ लोगों को देगी खुराक। तो वही इस देश ने किया भारत के गलत नक्शे को प्रस्तुत, इस बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों स्कूलों में 40% फीस की कटौती करेगी यह सरकार, जारी किया आदेश। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे, इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों और भारतीय सैनिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, सर्दियों में भी लद्दाख छोड़ने को तैयार नहीं है चीन, जवानों को दिए जा रहे हैं आधुनिक उपकरण। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहा सैन्य गतिरोध आगामी सर्दी के सीजन में भी कम होने के आसार नहीं दिख रहे। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने अपने जवानों को लद्दाख की भयानक सर्दी से निपटने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय के इस बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन अपनी सेना को क्षेत्र में -40 डिग्री तक तापमान पर पहुँच जाने पर भी पीछे नहीं हटाएगा। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल वू क्वान ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि निवास के मामले में जवानों को कई डिसमाउंटेबल सेल्फ एनजाइज्ड इंसुलेटेड केबिन उपलब्ध करवाए गए हैं जिन्हें वे खुद स्थापित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा देश के हर नागरिक को लगेगा कोरोना का टीका, जानिए सबसे पहले किससे लगाया जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी भारतीयों को कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। जब ये टीका उपलब्ध होगा तो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। वैक्सीन का प्रबंधन देखने और पाथ चार्ट बनाने के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह बनाया गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की तैयारियों पर जानकारी देते हुए कहा बेशक शुरू से हम सबसे कमजोर और फ्रंटलाइन वर्कर्स की सुरक्षा पर ध्यान दे सकते हैं। बता दें कि 28,000 से अधिक कोल्ड चेन पॉइंट कोरोना के टीकों को स्टोर करेंगे और वितरित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। वहीं राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर इस अभियान को समर्पित टीमें वैक्सीन अभियान का हिस्सा होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। नक्शे में जम्मू कश्मीर लद्दाख का गलत चित्रण, भारत ने सऊदी अरब से जताया कड़ा एतराज। दोस्तों भारत ने सऊदी अरब द्वारा पिछले हफ्ते जारी एक बैंक नोट में देश की सीमाओं के गलत चित्रण पर खाड़ी देशों को अपनी चिंता से अवगत करा दिया है और उससे कहा कि इसे ठीक करने के लिए त्वरित कदम उठाए। ये जानकारी बृहस्पतिवार को विदेश मंत्रालय ने दी। नए 20 रियाल के नोट पर प्रिंट किए गए वैश्विक मानचित्र में जम्मू कश्मीर और लेह को भारत के हिस्से के रूप में नहीं दिखाया गया है। G20 समूह की सऊदी अरब द्वारा अध्यक्षता किए जाने के अवसर पर इसे जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब से कहा कि मामले में त्वरित सही कदम उठाए और कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह भारत का हिस्सा और अभिन्न अंग है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 1 नवंबर से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों देश में परसों यानी 1 नवंबर से आपकी रोजाना की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं और सर्विस से जुड़े 7 नियमों में बदलाव होने वाला है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। दरअसल रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। वही 1 नवंबर से सिलेंडर बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा। अब आपके घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। साथ ही 1 नवंबर से सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होगा। आइए जानते हैं 1 नवंबर से किन किन नियमों में बदलाव हो रहा है और आपकी जेब पर कितना असर डालेगा। बदलेगा सिलेंडर मंगाने का तरीका। दोस्तों चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां नए एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम 1 नवंबर से लागू करने वाली है। इस नए सिस्टम को डीएसी का नाम दिया जा रहा है, यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। पहले 100 स्मार्ट सिटी में यह सिस्टम लागू होगा। केवल बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को कोड नहीं दिखाएंगे तब तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। बदलेगी एलपीजी सिलेंडर की कीमतें।
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती है। ऐसे में 1 नवंबर को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। अक्टूबर में ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा जमा कराने की बदलेंगे नियम। साथ ही दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में अब अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। दरअसल 1 नवंबर से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। इस पर बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस और सेंट्रल बैंक भी जल्द फैसला लेगी। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट से जमा निकासी के अलग और बचत खाते से जमा निकासी के अलग अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। रेलवे बदलेगा ट्रेनों का टाइम टेबल। जी दोस्तों, इंडियन रेलवे पूरे देश की ट्रेनों के टाइम टेबल को बदलने जा रहा है। इससे पहले ट्रेनों का टाइम टेबल 1 अक्टूबर से बदलने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे आगे बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर की तारीख को फाइनल किया गया है। इंडियन गैस ने बदला बुकिंग का नंबर। जी दोस्तों, इंडियन ग्राहकों के लिए गैस बुक करने का नवम्बर में बदल गया है। इंडियन ऑयल ने बताया कि पहले रसोई गैस सिलेंडर बुक करने के लिए देश के अलग अलग सर्किल के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर होते थे। अब देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सभी सर्किलों के लिए एक ही नंबर जारी किया है। अब देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या SMS भेजना होगा। केरल में लागू होगी MSP योजना। वही दोस्तों केरल सरकार ने सब्जियों के लिए आधार मूल्य तय कर दिया है। केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सब्जियों का यह न्यूनतम आधार या न्यूनतम मूल्य उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। ये योजना 1 नवंबर से लागू होगी। चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के बीच चलेगी तेजस एक्सप्रेस। साथ ही दोस्तों 1 नवंबर से प्रत्येक बुधवार को छोड़कर चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस चलेगी। गाड़ी संख्या 22425 न्यू दिल्ली चंडीगढ़ तेजस एक्सप्रेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 9:40 पर चलेगी और दोपहर 12:40 पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। यानी आप 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की फीस में 40% तक होगी कटौती। जी दोस्तों, राजस्थान सरकार के नए फैसले के मुताबिक छात्र अब उतनी ही फीस देंगे जितनी उनकी पढ़ाई होगी। अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान सरकार की गठित कमेटी ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की फीस में 40% कटौती की है। कमेटी ने तर्क दिया कि CBSE ने सिलेबस में 30% कटौती करने के बाद छात्रों की फीस 30% कम की है। वहीं राजस्थान बोर्ड ने 40% सिलेबस कम कर दिया है, इसलिए 40% फीस कम की जा रही है। वहीं निजी स्कूलों के एसोसिएशन वाली कमेटी प्रोग्रेसिव एसोसिएशन स्कूल ऑफ राजस्थान ने कहा कि यह फैसला सही नहीं है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इन कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा, दिवाली गिफ्ट के तौर पर 18,000 एडवांस देने का किया ऐलान। जी दोस्तों, दिवाली 2020 से पहले हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस की घोषणा की है। सरकारी कर्मचारियों के त्यौहार की खुशी को भरते हुए हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस की घोषणा की है। सरकार ने त्यौहार के सीजन को देखते हुए ग्रुप सी और ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस का ऐलान किया है। इन कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस का ऐलान सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस का ऐलान किया था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन ट्रैकर कोवैक्स अभियान में टीके की 20 करोड़ खुराक देगी ये कंपनी। जिंदोस्तों, कोरोना वायरस के मामले में भारत समेत दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 77 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं इस बीच कोरोना वैक्सीन को खोजने का काम भी तेजी से जारी है। इधर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा 4,49,06,000 के पार पहुंच गया है। वहीं अब दुनिया भर में 11,79,000 से ज्यादा लोग इस वायरस के चलते मौत के शिकार हो चुके हैं। वहीं बता दें कि कोवैक्स अभियान से दवा निर्माता कंपनी सेनोपी और ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन यानी GSK जुड़ गई है। ये कंपनी अपने संभावित COVID-19 टीके की 20 करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमत है। कंपनी की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में इसके तैयार होने की उम्मीद है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।